इंडिया में पहाड़ों के लिए बेहतरीन गाड़ियां कौन सी है। इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताऊंगा पहाड़ों के लिए बेस्ट कारें, जानते हैं इस वीडियो में। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। फॉर्चुनर। फॉर्चुनर काफी बेहतरीन और ऑफ रोड कैपेबिलिटी वाली गाड़ी है। इसकी लुकिंग काफी अच्छी है और लाजवाब भी गाड़ी है। गाड़ी में आपको हिल असिस्ट कंट्रोल यानी कि 4x2 सिस्टम मिलता है और डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल 4x4 और 4WD विद हाई एंड लो रेंज। एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर यानी 2WD और 4WD कंट्रोल मिलता है और दोनों ही इंजनों का ऑप्शन डीजल और पेट्रोल में। इसमें 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन और 2.8 लीटर डीजल इंजन, दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में ये गाड़ी मिलती है। 30,34,000 से शुरू होती है। जीप कंपास ट्रेल हॉग, ये भी काफ़ी बेहतरीन SUV गाड़ी है इंडिया में। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑफ रोडिंग फीचर्स मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल, अपडेटेड 7-inch MIAD अलोंग विद इन 8.4-inch टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम विद जीप कनेक्ट और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिलता है। इसमें आपको 4x4 का वेरियंट अलग मिलता है जिसकी वजह से आप गाड़ी को पहाड़ों पर आसानी से चढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक रोल मैग्निशन, हिल होल्ड असिस्ट और डीजल इंजन मिलता है 2 लीटर मल्टी जेट डीजल इंजन दोनों और गाड़ी में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। गाड़ी की कीमत 26,80,000 से शुरू होती है। महिंद्रा XUV 500, ये एक ऐसी गाड़ी है महिंद्रा कंपनी की ओर से जो कि आपको मोनोक्यू स्ट्रक्चर पर बनी है। ये गाड़ी एक पावर पैक कार है इंडिया में। इसमें आपको हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल असिस्ट मिलता है। डीजल इंजन मिलता है 2.2 लीटर, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन। गाड़ी की कीमत 15,52,000 से शुरू होती है। एंडेवर। एंडेवर भी बेहतरीन SUV गाड़ी और पहाड़ों के लिए बेस्ट कार है। इस गाड़ी की बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्गली बिल्ट की गई है। ड्यूल एयरबैग, साइड एयरबैग, कल्टन एयरबैग, न्यू एयरबैग, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल लॉन्च असिस्ट, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल और गाड़ी में 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। गाड़ी की कीमत 29,99,000 से शुरू होती है। फिर है इसुजू MUX। इस गाड़ी को बनाया है जापान बेस्ड कंपनी इसुजू ने। इस गाड़ी में आपको अमेजिंग टफनेस, शीर परफॉर्मेंस और ट्रैक्शन कंट्रोल यानी TSC, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट EBA, हिल स्टार्ट असिस्ट HSA, हिल डिसेंट कंट्रोल यानी पहाड़ों के लिए बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। डीजल इंजन मिलता है 1.9 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। गाड़ी की कीमत 33,23,000 से शुरू होती है। बोलेरो। बोलेरो काफ़ी पुरानी कार है। ये काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली SUV गाड़ी है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है और डीजल इंजन मिलता है 1.5 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन। गाड़ी की कीमत 8,40,000 से शुरू होती है। सफारी। सफारी इंडिया में काफ़ी पुरानी SUV गाड़ी है और बेहतरीन है ऑफ रोडिंग करने के लिए भी। इसमें आपको डिस्क ब्रेक ऑल राउंड एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग, रोल ओवर मेटिगेशन और कोरोनरी स्टेबिलिटी कंट्रोल। डीजल इंजन मिलता है 2 लीटर डीजल इंजन दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ। गाड़ी की कीमत 14,99,000 से शुरू होती है। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो पुरानी और पॉपुलर SUV गाड़ी है। ये कार पहले से ही काफ़ी बेहतरीन है ऑफ रोडिंग करने के लिए भी। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल, ऑटो AC, 7-inch टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल फ्रंट एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ABS एंड स्पीड अलर्ट, डीजल इंजन मिलता है 2.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। गाड़ी की कीमत 12,31,000 से शुरू होती है। फिर थार। थार भी काफ़ी बेहतरीन और ऑफ रोडिंग कार है। इस गाड़ी को पिछले साल दोबारा लॉन्च करा गया है। इसमें आपको काफ़ी सारे अपडेट मिले हैं इस बार। इसमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी को और भी अच्छा कर दिया गया है। गाड़ी में 4x4 ड्राइव ट्रेन, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड AC, क्रूज कंट्रोल, स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल, डिजिटल MID एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा मिलता है और रिमूवल रूफ
पैनल मिलता है। गाड़ी में दोनों इंजनों का ऑप्शन डीजल और पेट्रोल का 2 लीटर पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में गाड़ी मिलती है। गाड़ी की कीमत 12,11,000 से शुरू होती है। फिर जीप रैंगलर। जीप रैंगलर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी बेहतरीन ऑफ रोडिंग गाड़ी है। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑफ रोडिंग फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स गाड़ी में मिल जाते हैं और 4WD फीचर्स, लोअर हाई मोड्स एंड डिफरेंशियल लॉक एट बोथ एक्सल मिलता है। गाड़ी में पेट्रोल इंजन मिलता है 2 लीटर पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। गाड़ी की कीमत 53,90,000 से शुरू होती है। तो मैंने आपको 10 ये बेहतरीन कारें बताई हैं जो कि पहाड़ों के लिए सबसे बेस्ट कारें हैं।